हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेकिन देखिए, मैं आज जा रही हूँ मैक्रोनी बनाने। ये मेरा पानी है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, तेल डाल दिया है। उसके बाद जब ये खौलने लगेगा तो इसके बाद ये जो मैक्रोनी है, मैंने 250 ग्राम मैक्रोनी लिया है। उसके बाद जब खौलने लगेगा पानी तब उसमें डालिएगा, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। देखिए मैं डाल दे रही हूँ, उसके बाद इसको चलाइए, बीच चलाते रहिए ताकि नीचे सटे ना, नहीं तो नीचे सट जाता है तो मैक्रोनी ख़राब हो जाता है। इसको चलाइए, उसके बाद इसे तोप दीजिए। चलिए लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के देता था जल्दी से। हाँ सर, हाँ हाँ अगर मैंने 2 मिनट तक इसे पकाया, उधर पकाने के बाद इसे देख लीजिए कि अच्छे तरह से पका है कि नहीं। इसको पहले आप एक प्लेट में इसे ऐसे कट करके देख लीजिए। देखिए मेरा मैक्रोनी पक गया है। अब इसको पकने के बाद इसको निकाल हटा दीजिए, गैस से हटा दीजिए। उसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद तब तक मैक्रोनी को दूसरे प्लेट में निकाल दिए, तब तक निकाल कर छान दीजिए, इसका पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद पानी इसका निकाल दीजिए, उस पर तब तक ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें 3-4 चम्मच तेल डाल दीजिए। उस बाद उसमें ये हरी मिर्च 4-5 मैंने काटी है, इसे आप 4-5 मिर्च का मैंने काटी है। जब तेल लाल हो जाता है उसके बाद इसमें आप इस हरी मिर्च को डाल दीजिए। और ये 2 प्याज मैंने काटा है, थोड़ा मिर्ची लाल हो जाने पर तब इसमें 2 प्याज डाल दीजिए। और उसके बाद इसको चला दीजिए। और तब तक मैक्रोनी को दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए ठंडा होने के लिए। तब तक ही मेरा प्याज लाल हो रहा है। अब देखिए मेरा ये सुनहरा कलर आ गया है प्याज में। अभी जो मटर, उसके बाद उसमें टमाटर कटा हुआ, मैंने 2 टमाटर लिया है, उसे आप डाल दीजिए, पतला पतला काटा है। और उसके बाद इसको डाल दीजिए इसमें। उसके बाद लाल थोड़ा सा टमाटर पक जाने पर इसमें, जब टमाटर पक जाएगा थोड़ा पतला वो हो जाएगा, पतला जैसे पकने टाइप हो जाएगा, तब इसमें ये मटर मैंने लिया है, करीबन 20 ग्राम मटर है। देख लीजिए इस मटर को इसी में डाल दीजिए, इसमें डालें। ये हो रहा है तब तक टमाटर मेरा पक रहा है, उसके बाद ये मटर को इसी में डाल दीजिए। ये मटर और टमाटर दोनों अगर पक जाए, पकने के बाद 2 मिनट तक पका दीजिए। उसके बाद टमाटर देखिए मेरा गल गया है। 2 मिनट पकने के बाद इसमें जो मैक्रोनी है ये, इसको इसमें डाल दीजिए। इसको डालकर अच्छी तरह से इसे चला दीजिए। चलाने के बाद देखिए अच्छी तरह से मिला लीजिए। अधिकतर करके लोहे के कढ़ाई में बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, चिपकेगा नहीं। लोहे के कढ़ाई में बनाइए, चाहे नॉन स्टॉप जो कढ़ाई आती है उसमें बनाइए, ताकि उसमें चिपकते नहीं है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाने पर चिपक जाता है मैक्रोनी।
देखिए मेरा मैक्रोनी। अब इसमें ये मसाला मैंने किया है, अब इस मसाले को इसमें डाल दीजिए। देखिए इस मसाले को एक पैकेट मैक्रोनी मसाला है इसमें डाल दीजिए। हाँ ये पास्ता मसाला है इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें क्या करिए, इसमें हल्का सा मीट मसाला जो मिलता है उसको, मीट मसाले को इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि उसका स्वाद बदल जाए। देखिए ये मीट मसाला है इसमें थोड़ा सा मीट मसाला, बिल्कुल नाम मात्र आधी चम्मच से भी कम। देखिए इसमें मीट मसाला डाल देंगे इसका स्वाद बदल जाएगा, अच्छा भी लगेगा खाने में। और इसमें जो नमक पहले भी पड़ा हुआ है अभी भी हल्का डालेंगे, समझ कर डालिएगा क्योंकि पहले भी नमक इसमें पड़ चुका है। अब उसके बाद इसको मसाले डालने के बाद इसको चला दीजिए। चलाने के बाद इसमें नमक डाल दीजिए करीबन एक चम्मच। देखिए एक चम्मच नमक डाल दीजिए और इसको बाद इसको अच्छी से तरह से चला दीजिए।